हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडीए कार्डानो के बारे में। तो रात लाइव भी किया था जो कि स्पेशली कार्डानो के लिए था, तो अभी हम बात कर लेते हैं कार्डानो के बारे में कि क्या कार्डानो का फ्यूचर हो सकता है आने वाले 1-2 साल में या 5 साल में। कार्डानो हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है, कितनी क्वांटिटीज़ की बाय करनी चाहिए, कितना इसको होल्ड रखना चाहिए, कब इसको बाय करना चाहिए, कब इसको सेल करना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हर एक बंदे के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर हम आपको प्रीमियम सिग्नल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट सिग्नल है और ऐसे सिग्नल जिससे आपको हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो मेक श्योर कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का यूज़र नेम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, @cryptobarbykapil। आपको स्पेलिंग सही से करेक्ट लिखनी है तभी आप हमारा ओरिजिनल चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख रहे होंगे भी कार्डानो का ग्राफ। कल रात मैंने सिग्नल दिया था कि ब्रेकआउट होते ही कार्डानो एकदम ऊपर की तरफ ब्लास्ट करेगा, तो बहुत से लोगों ने इसको फॉलो किया और एक अच्छे खासे प्रॉफिट में है। हालांकि कार्डानो को मैं शुरू से ही सजेस्ट करते हुए आ रहा हूँ। कार्डानो मेरी जो कॉइन्स की लिस्ट है उसमें टॉप लिस्टेड कॉइन है कार्डानो ETC और वजीरएक्स यानी कि WRX और मैटिक। ये 4-5 कॉइन है जो कि मेरे पोर्टफोलियो की टॉप लिस्ट में है, जिनमें कि पोल्काडोट और सोलाना का नाम भी है। हालांकि लूना को भी मैंने पोर्टफोलियो में जगह दी, लेकिन वो तब दी जब अभी लूना का थोड़ा जलवा देखा। उससे पहले लूना को मैं इतना प्रीफर नहीं करता था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मुझे सभी कॉइन्स ने दे दिया है अभी तक, और आगे भी उम्मीद है कि आगे भी बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को इन सभी कॉइन्स में मिलने वाला है। और दूसरा, जो लोग कम बजट वाले हैं, जो लोग कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कल रात मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो वो लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी अच्छे कॉइन सजेस्ट किए हैं आपके लिए। 6 मंथ का टारगेट है, काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और यहाँ पर जो मैंने 190 का फर्स्ट टारगेट दिया था वो काफ़ी देर पहले क्लियर हो चुका है, और उसके बाद काफ़ी लोगों ने डिप भी लगी दी है हल्की सी, तो अगेन इसको बाय किया होगा। जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जैसे टारगेट मिले वहाँ पे एग्जिट करो कुछ परसेंट और नीचे अगेन डिप में बाय करो। तो अभी आप देख रहे हो 192 से ऊपर जा रहा है प्राइस। ग्रीन कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बन रही है कार्डानो की, तो उम्मीद है कि आगे के 2 टारगेट भी कार्डानो हमें जल्दी क्लियर करके देगा और एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देगा। तो आप लोग अगर प्रॉफिट गेन कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको प्रॉफिट कितना अभी तक कार्डानो से मिल चुका और किस तरीके से आप अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितना बाय कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं। आप सभी चीज़ें कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप सिंपली फॉलो करें, मैसेज करें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर कल रात मैंने आपको नोटिफाई किया था कि कार्डानो 3rd नंबर पर आ चुका है, और कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कार्डानो को लेकर जब ये 5th नंबर पर था, और मैंने इस वीडियो में ये कहा था कि मार्केट कैप के हिसाब से कार्डानो बहुत जल्द 3रे या 4थे नंबर पर आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बाइनेंस को पीछे करके और USDT को पीछे करके कार्डानो पहुँच गया 3rd नंबर पर। हालाँकि USDT का कोई काउंटिंग वाला सीन नहीं है, लेकिन फिर भी USDT 3rd नंबर पर था अभी कुछ दिन पहले जब मार्केट डाउन थी, तो USDT के रेट हाई हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, USDT की मार्केट कैप एकदम से इंक्रीज़ होती है, तो ये 3रे 4थे नंबर पर 5वें नंबर पर चलता ही रहता है। इसका कोई बड़ा इशू नहीं है 4थे 5वें का या 3रे का, लेकिन यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है कि कार्डानो 3rd नंबर पर है, यानी कि इथेरियम के बाद 2nd कार्डानो। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सोलाना इथेरियम किलर है, लेकिन मुझे सोलाना अभी कार्डानो से बहुत ज़्यादा दूर लगता है। यहाँ पे आप देखोगे तो 10th नंबर पर सोलाना की मार्केट रैंक है, और अगर इसकी हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो $20 बिलियन अभी मार्केट कैप है, 20.6 बिलियन। लेकिन वहीं अगर हम कार्डानो की मार्केट कैप देखते हैं तो 76.7। कल रात जब मैंने आपको अपडेट किया था तो 71 पॉइंट कुछ था, लेकिन कल रात से अभी तक 5.7 के करीब इंक्रीज़ हो चुकी है, यानी कि 5.7 बिलियन इंक्रीज़ हो चुकी है। तो 76.7 बिलियन मार्केट कैप बहुत ही बड़ी बात है। 7 दिनों के अंदर आप देखेंगे तो 29% तक का प्रॉफिट अभी तक दे चुका है, और लास्ट 24 आवर्स में 19 से 20% का प्रॉफिट कार्डानो हमें दे चुका है। तो अभी सवाल ये आता है कि इथेरियम किलर आखिर है कौन, सोलाना, पोल्काडोट या फिर कार्डानो। मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कार्डानो
आने वाले कुछ ही समय में पोलकाडोट और सोलाना को प्राइस में भी पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आप इसका ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ देखो आप एक बार ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा बुलिश इसका ग्राफ है, जैसे कि इथेरियम का ग्राफ है। इथेरियम का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इथेरियम का भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। अगर प्राइस इस रेंज में चलता है जिग-जैग तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश माना जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये अपनी सपोर्ट क्रिएट करते हुए जाता है और एकदम से प्राइस ड्रॉप नहीं होता। इस कंडीशन में अगर प्राइस ऐसे सपोर्ट बनाते हुए चल रहा है तो प्राइस एकदम से फ्री फॉल नहीं होगा, सपोर्ट लेते लेते धीरे धीरे प्राइस डाउन होता है। तो उसी तरह से कार्डानो का प्राइस भी चल रहा है। अभी कार्डानो ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 190 का, उसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो अभी नेक्स्ट जो दो टारगेट हैं वो एक तो शायद 220 का है, एक 240 का है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपके टारगेट क्लियर हो, आप लोग प्रॉफिट की न्यूज़ दें मुझे, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों को प्रॉफिट होता है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि जिन लोगों ने अभी तक इसको बाय नहीं किया, बाय करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या सीन है, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। तो उनको अभी क्या करना है, उनको करना है अभी वेट थोड़ा सा। यहाँ पर अगर आप अभी एंट्री लेते हैं तो थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, लेकिन आप कुछ परसेंट रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पर है और इसको अगर ब्रेक करता है तो प्राइस एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो यहाँ पर आप जो भी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पर कार्डानो के साथ, कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है तो वापस से इसको रिटेस्ट करने आ सकता है, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट करने आ सकता है। तो उस रिटेस्ट का आप वेट करें, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त कन्फर्मेशन होगी अगर ये वापस आता है यहाँ पर। तो कन्फर्मेशन के साथ अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं वापस से, मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ इसकी, ये वाली वो प्राइस रेंज है और अभी इस रेंज के अंदर है। यहाँ पे आप देखेंगे 192 चल रहा है, थोड़ा सा वज़ीर एक्स का ग्राफ प्रॉब्लम करता है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन प्राइस यहीं पर है जहाँ पे आप एरो देख रहे हैं। तो अगर इसको ब्रेकआउट लेता है एक अच्छे तरीके से तो वापस इसको रिटेस्ट करने आएगा प्राइस, और अगर रिटेस्ट करने आता है कुछ इस तरह से आएगा, मैं आपको एक बार ब्रश से बता देता हूँ। यहाँ से अगर ब्रेकआउट लेता है तो एक दो ब्रेकआउट लेगा, लेकिन वापस से अगर फॉल होगा तो वापस से प्राइस रिटेस्ट कर सकता है इस तरह से। तो अगर प्राइस आता है रिटेस्ट करने और आप लोग सोच रहे हैं बाइंग, तो यहाँ पर फिर आपकी बाइंग बनती है, यहाँ पर आप कंफर्म बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये सिग्नल होता है वापस से बाउंस बैक लेने का, और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक लेने का ये एक सिग्नल होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर भी रिस्क ले सकते हैं। देखिए क्रिप्टो में मज़ा तभी है जब आप थोड़ा सा रिस्क लें, क्योंकि रिस्क कभी कभी इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है हमारे लिए कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा रिस्क आप लेकर देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो आप ऊपर उसको एग्जिट करें, वापस से यहाँ पर जैसी प्राइस आता है रिटेस्ट करने तो आप वापस से इसको अगेन बाय करें। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक वैसे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन यूजर नेम है @CryptoBarByKapil। आपके हर एक मैसेज का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाता है लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर भी, और टेलीग्राम चैनल आप बिल्कुल भी ज्वाइन करना ना भूलें, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पर आपका जितना भी लॉस है कवर कराने की पूरी पूरी कोशिश में हम लगे हुए हैं। तो दोस्तों समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।